मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये खबर आपके लिए है। मध्य प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली घटना सीधी से सामने आई है, जहां तीन युवकों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की सरिया डाल दी। पीड़िता को गंभीर अवस्था में पहले सीधी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से रीवा रेफर कर दिया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कुछ ऐसा कीजिए कि ऐसे दरिंदों की रूह कांप जाए। सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की हो, मध्य प्रदेश में गैंग रेप और रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हैवानियत का यह मामला सीधी का है। पति की मौत के बाद एक महिला अपने दो बच्चों के साथ झोपड़ी में दुकान चलाकर परिवार पाल रही है। शनिवार रात तीन युवकों ने महिला को आवाज देकर पानी मांगा। महिला ने पानी ना होने की बात कही तो आरोपी झोपड़ी के टटिये को तोड़कर अंदर घुस गए और महिला के साथ गैंग रेप किया। इसके बाद भी जब इन दरिंदों का मन नहीं भरा तो इन बलात्कारियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया। घटना के बाद से पीड़ित महिला को रक्तस्राव होने लगा, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। इस महिला की जान बचाने के लिए इसका एक ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गैंगरेप और दरिंदगी की शिकार पीड़िता को उसकी बहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलिया में ले गई, जहां से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पीड़िता गर्म कपड़े नहीं पहने थी, उसका बुरा हाल था, वो ठंड से कांप रही थी। उसकी हालत देखकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजू लता पटेल ने अपना शॉल और जैकेट उसे पहनाकर रीवा रेफर करवाया। इस मामले में जिस जगह घटना हुई उस अमलिया पुलिस का रवैया भी बहुत संतोषजनक नहीं रहा। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आरोपी लल्लू कोल, भाईलाल पटेल, एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।